नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। EMRS के TZT की वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी है और अगर देखा जाए तो पदों की संख्या भी बहुत अच्छी है। लगातार बच्चे जब से वैकेंसी आई है बोल रहे हैं सर आप कोर्स लाइए, सर आप कोर्स लाइए, सर आप कोर्स लाइए। और कोर्स की तो बाद में बात है, लेकिन सबसे पहली बात जो मेरे लिए आवश्यक होती है कि वो आप तैयारी कैसे करो, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और आपकी जो रणनीति होनी चाहिए वो बहुत बेहतरीन होनी चाहिए, क्योंकि आप अपने अपने जीवन का बहुत बहुमूल्य समय यहाँ पे इन्वेस्ट करने जाते हो और बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं फॉर्म का भी पैसा लगा के, कोर्स का भी पैसा लगा के जब मेहनत लगाते हो तो फिर सफलता नहीं अर्जित होती तो निराशा हाथ लगती है और ये निराशा बहुत ही ज़्यादा कष्टदायी भी होती है। हालांकि अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि EMRS की किसी भी वैकेंसी के लिए कंप्लीट सोल्यूशन A to Z सोल्यूशन टीम परीक्षा प्लस आपके लिए लेके आया है। इससे पहले जो नॉन टीचिंग के पोस्ट है, JSC का बात करें, लैब अटेंडेंट की बात करें या फिर हम वार्डन की बात करें, आप लोगों का प्यार मिलके, आप लोगों का विश्वास मिलके बहुत बहुत आभार आप सभी का। और अब TZT PZT के भी बैच आपके सामने आ गए हैं। हालांकि मैं बैच की बात बाद में करूंगा, उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब केवल आपकी तैयारी से है और आपके सिलेक्शन से है। तो सबसे बड़ी बात है कि EMRS एकलव्य विद्यालय में जो TZT की वैकेंसी आई है, ये सेशन आपके लिए TZT मैथ्स के लिए लेके आया हूं। आपको पता है कि मैं मैथ्स पढ़ाता हूं और आपके लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या आपका सेफ स्कोर, क्या आपको टारगेट करना है, कहां तक आपको कट ऑफ जा सकता है, तो उसको एक टारगेट जो बनाना है वो क्या रहेगा, कैसे आपको पढ़ना है, कोचिंग क्या होनी चाहिए, किताबें क्या होनी चाहिए, PDF क्या होनी चाहिए, सेफ स्कोर और टेस्ट या फिर जो भी आपको इससे रिलेटेड रिसोर्सेस हैं वो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो साइए देखते हैं एक एक चीज, ये जो हमारी किताबें हैं उसके बाद चर्चा मैं बाद में करूंगा। सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं किसकी, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। अच्छा देखो, अगर आप EMRS के सिलेबस को देखोगे तो ये लगभग लगभग सिलेबस आपको KBS की तरह दिखता है, बट ये KBS से एक कदम आगे है हर चीज में, हर चीज में आगे, इवन सैलरी में भी KBS से आगे है और जो आपके अलाउंसेस देता है उसमें भी एक कदम आगे है और डिफिकल्टी लेवल और पेपर के पैटर्न में भी एक कदम आगे है। तो लगभग लगभग जो बच्चे KBS की तैयारी कर रहे थे उनको तो बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा ही मिलेगा, KBS इनके TZT की तैयारी करते हैं। इसके अतिरिक्त भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं लगातार टीचिंग एग्जाम्स की, उनके लिए भी बहुत बेहतरीन इसका अगर डिजाइन किया गया है देखा जाए तो, जो कोर्स, तो इसमें आपके कुल मिला के 6 पार्ट एक तरफ दिए गए हैं। 6 पार्ट में आपका जो केवल सब्जेक्ट वाला पार्ट है वो 5वां पार्ट है और आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये TZT मैथ में इस पार्ट का डिस्कस करने वाले हैं। Part 1 जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ ICT, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया आपका, और फिर ये आपका जो लैंग्वेज पार्ट हो गया इसकी स्ट्रेटजी मैं अलग से भी बता चुका हूं, और फिर भी मैं बातों बातों में इतना आपको बता दूंगा कि ये पोर्शन कैसे कवर करने हैं। लेकिन अगर आप देखो तो टोटल आपका 120 नंबर का कुन क्या होगा, 120 नंबर पे मेरिट बनेगी जिसमें 40 आपके अतिरिक्त हैं और 80 आपका क्या है, 80 आपका सब्जेक्ट, और 80 आपका कोर सब्जेक्ट नहीं है, आपका कोर सब्जेक्ट कितना है 65, यानी आप बोल सकते हो कि अप्रॉक्स में 50% या 50% से थोड़ा ज्यादा, लो मैं 55% बोल दे रहा हूं, यहां पे आपको क्या पढ़ना है, यहां पे आपको जो मैथ्स है, यहां पे मतलब यहां पे आपको सब्जेक्ट बोल लो जो आपको सब्जेक्ट की तैयारी करना है, और अप्रॉक्स में ही 50% आपको क्या करना है, अन्य टॉपिक पढ़ने। इनमें जो 15 है उसमें से एक टॉपिक क्या है, एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागॉजी, मतलब पेडागॉजी बेस्ड होगा, और आपका 5 क्वेश्चन NEP आएगा, जो आप जो भी टेट वगैरह की तैयारी करते हो, सीटेट की तैयारी करते हो या फिर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हो तो NEP और पेडागॉजी आपसे अछूता नहीं रहता है, तो ये यहां पे सम्मिलित किया गया है, आपका थोड़ा सा नंबर बूस्ट कराएगा। क्या रहना चाहिए टारगेट मैं एक एक करके बताऊंगा, लेकिन इससे पहले हम इस जो आपका डोमेन नॉलेज है इसमें साफ साफ लिखा है सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस और डिफिकल्टी लेवल जो होगी, डिफिकल्टी लेवल आपकी ग्रेजुएशन की होगी, मतलब कि जो आपने ग्रेजुएशन करके आए हैं ग्रेजुएशन की लेवल की डिफिकल्टी होगी, आपकी BSc या फिर आपका BA या फिर आपका जो भी है, या अगर आप मैथ्स की बात कर रहे हैं तो मैथ्स में जिसमें आपका क्वेश्चंस रहे हैं, जो टॉपिक रही हैं उनसे आपके क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन एक बार बहुत अच्छे से इनके टॉपिक्स को देखें, मैथ्स के टॉपिक्स को देखें, तो इनमें एक चीज समझ में आता है कि कोई इतनी टफ मैथ्स भी नहीं पूछा है, बहुत बैलेंस आपका सिलेबस बनाया गया है, और अगर आप इसे समझ के पढ़ लिए तो बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। जैसे पहले टॉपिक आपका रियल नंबर्स दिया, ये और कुछ नहीं है, जनरल मैथ्स की नंबर सिस्टम है, और अगर आप इसे पढ़ोगे तो ये आप देखोगे केवल एक जो टॉपिक होता है, मैं आपको अक्सर पढ़ाता हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, उसके इर्द गिर्द सारी चीजें हैं कि आपका क्या रियल नंबर्स क्या होते हैं, आपके रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल क्या है, डेसिमल्स क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, कैसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं वो आपके रियल नंबर्स के अंतर्गत आते हैं, या कैसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स आपके इरेशनल नंबर कहलाते हैं, उनके एग्जांपल्स, ये सारे पॉइंट जो होंगे वो आपके इसमें होंगे, केवल थ्योरी बेस है, बहुत
बहुत बेहतरीन चैप्टर है और यहां से नंबर आपको सबसे ज्यादा इस चैप्टर से उठाने हैं। उसके बाद आपकी एलिमेंट्री थ्योरी है, एलिमेंट्री थ्योरी आपकी हाइपोथेसिस बेस है, मतलब आप समझना यहां पे तो आपके न्यूमेरिकल मैथ टाइप के हैं, ये आपका हाइपोथेसिस मैथ टाइप में है। आपके हाइपोथेसिस टाइप में एक एलिमेंट्री नंबर थ्योरी है और दूसरा आपका यूक्लिडियन ज्योमेट्री है। दो चैप्टर आपको हाइपोथेसिस बेसिस पे होगा लेकिन इनके क्वेश्चंस कम रहेंगे, इस बात को समझिएगा। जैसे इसमें प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन पे क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रिंसिपल, सेकंड प्रिंसिपल, थर्ड प्रिंसिपल पे, या आप क्लास 11th में भी पढ़ते हो। बेसिस रिप्रेजेंटेशन थ्योरम, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो GIF होता है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, यूक्लिड्स एल्गोरिदम, यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम, कॉन्ग्रुएंस, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, उसके बाद सम ऑफ डिविजर्स ऑफ अ नंबर, यूलर्स टोशेंट जो फंक्शन होता है, और फॉर्मेट और विल्सन थ्योरम, ये सारी चीजें। तो कहने का मतलब ये पार्ट जो आपका है वो नंबर सिस्टम का मिला के। दूसरा जो है आपका मैट्रिसेस है, और मैट्रिसेस इन्होंने डिटर्मिनेंट्स अलग से नहीं दिया है। R1, R2, R3 टाइप की एज अ वेक्टर स्पेसेस उन्हें पूछा है, RN कॉन्सेप्ट ऑफ RN पूछा है, स्टैंडर्ड बेसिस फॉर ईच ऑफ देम, लीनियर इंडिपेंडेंस एंड एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट। तो मतलब मैट्रिसेस से और कंप्यूटेशन मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स से भी आपके क्वेश्चन पूछेगा, जो रोज ऑपरेशन और रैंक ऑफ मैट्रिक्स से भी आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन से भी क्वेश्चन होंगे। पॉलिनोमियल्स में आपका सिंपल एलजेब्रा है जिसमें आपको थ्योरम्स, फैक्टराइजेशन, जीरोस और पोल्स, इसके बारे में क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाएगा, फैक्टर थ्योरम यहीं पे होगा। उसके बाद लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल पे भी क्वेश्चन पूछेगा, एक सिंगल इक्वेशन लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, सिंपल एक्स वाई वाला जो आपका इक्वेशन बनता है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे, यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका एलजेब्रा का पार्ट है, मतलब अगर आप देखोगे तो पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारे क्या है, एलजेब्रा के पार्ट है। उसके बाद आपके कुछ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पार्ट है जिसमें केवल डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड रिजल्ट फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ सम ऑफ फर्स्ट टर्म, और ये केवल एपी पूछेगा, इसमें आपको जीपी एचपी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये पार्ट थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाता है। इनइक्वलिटीज से पूछे जाए, जैसे कॉची सेजवर्ड जो फॉर्मूला है आपका इनइक्वलिटी है, या चेबी जो है, यहां से आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वलिटी जो मींस है उसका, एक नया टॉपिक यहाँ पे दिया है जो अन्य में नहीं होता है, वो है कॉम्बिनेटरिक्स। अब इसमें क्या है, इसमें प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, पीजन होल प्रिंसिपल, ये आपका कई बार प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी काम आता है, रिकरेंस ऑफ रिलेशंस पूछा है, और बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो इनमें जो क्वेश्चन बनने वाले पार्ट है, एक पीजन होल प्रिंसिपल, एक बाइनोमियल कोफिशिएंट से क्वेश्चन बनेगा अच्छा खासा। कैलकुलस में इन्होंने एक में ही सब कुछ दे दिया है, सेट्स दे दिया, फंक्शन दे दिया, लिमिट दे दिया, डेरिवेटिव्स दे दिया, उसके बाद इन्होंने डिफरेंशिएशन दे दिया, इंटीग्रेशन दे दिया, ये सब कुछ आपका यहाँ पे कैलकुलस में इंक्लूड कर दिया, तो वो भी पूछेगा। यूक्लिडियन ज्योमेट्री, यही मैं आपसे बोल रहा था, ये आपका इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन बनेगा नहीं। इस चैप्टर में हाइपोथेसिस है तो आपके एक दो हाइपोथेसिस से क्वेश्चन होंगे, ये मैं आपका कवर करा दूंगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपका सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला से क्वेश्चंस बन सकते हैं। एरियाज एंड वॉल्यूम, ये सिंपल एरिया एंड वॉल्यूम है 2D और 3D फिगर पे, ठीक है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री भी आपकी बेसिक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं पूछी गई है अगर आप यहां पे देखोगे। स्टैटिस्टिक भी उन्होंने बेसिक ही रखा है, ये भी डीप लेवल का नहीं होगा, और इतना ही आपका क्या है, इतना ही आपका सिलेबस है, मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 टॉपिक, ओवरऑल 16 टॉपिक इन्होंने दिया है। और अगर मैं 16 टॉपिक को समराइज कर दूं तो एक आपका क्या है, नंबर सिस्टम है, इससे क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा आपका क्या है, एलजेब्रा, इससे आपका क्वेश्चन पूछेगा। तीसरा आपका क्या है, यहां पे जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछेगा। चौथा आपका ट्रिग्नोमेट्री है, यहां से क्वेश्चन पूछेगा। पांचवा आपका जो है वो आपका कोऑर्डिनेट है, यहां से क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहां पे ट्रिग्नोमेट्री तो मैंने यहां पे लिख ही दिया, ये पार्ट जो आपके हैं बेसिक ही पूछा जाता है। एक आपका एपीजीपी नहीं पूछेगा, केवल एपी पूछेगा। ये कॉमन मैथ्स वाले आपके यहां पे पार्ट दिए हैं। इसके अतिरिक्त जो आपके स्पेशल टॉपिक हैं, इसी में स्टैटिस्टिक भी लिख देते हैं, स्टैटिस्टिक भी इसी में, सांख्यिकी भी इसी में होगा, जो आप अक्सर एग्जाम में पढ़ते हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे। स्पेशल जो एडवांस मैथ्स में इन्होंने क्या दिया है, कैलकुलस दिया है, कैलकुलस दिया है। एक चीज ध्यान देना कि इन्होंने कैलकुलस तो दिया है लेकिन ये फंक्शंस पे,
थोड़ा भी वेटेज दिए, सेट पे थोड़ा ही दिए, बहुत ज्यादा आपका सेट थ्योरी और इनसे नहीं दिया गया है, ना ही इन्होंने डिफरेंशियल इक्वेशन पे बहुत ज्यादा वेट दिया, उससे भी बहुत हैवी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो कैलकुलस भी इन्होंने केवल कॉन्सेप्चुअल रखा है, इस बात को ध्यान देते हुए चलिएगा। उसके बाद दूसरा जो इन्होंने रखा है वो है आपका मैट्रिसेस। जैसे अगर आप देखोगे तो इन्होंने कोनिक सेक्शन नहीं रखा है, पूरी की पूरी ज्योमेट्री हल्की कर दी है क्या, कोनिक सेक्शन हटा के। और बहुत सारे टीजीटी पीजीटी स्टेट टीजीटी पीजीटी में आपके वेक्टर्स स्केलर्स इनसे क्वेश्चन होते हैं, स्टैटिक डायनेमिक के क्वेश्चन होते हैं जो ग्रेजुएशन पार्ट का है। तो लेवल तो इन्होंने ग्रेजुएशन का खोला है, लेकिन एडवांस पार्ट में आपके दो ही तीन चैप्टर हैं जिसमें आपका एक कैलकुलस हो गया, एक आपका मैट्रिसेस हो गया। ये दो मेन चैप्टर जो आपके किससे हैं जो आप थोड़ा बोल सकते हो कि ग्रेजुएशन लेवल पे, फिर भी आप कैलकुलस और मैट्रिसेस दोनों आप क्लास 12th में पढ़ते हो। तो अल्टीमेटली जो सिलेबस बनाया गया है क्लास 11th एंड 12th का ही बनाया गया है, बट यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा हो सकता है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा जो इन्होंने बोला है। तो इतने टॉपिक आपको मोटा मोटा पढ़ना है, बाकी दो तीन जो टॉपिक है वो हाइपोथेसिस है। अब सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे पास 16 टॉपिक है, हम इनमें से नंबर कैसे उठाएं। आपके पास 65 क्वेश्चन है और केवल 65 में ही दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि एक बात ध्यान देना कि अगर आप यहां पे मैथ्स की अगर मैं 65 की बात करूं, इवन अगर यहां पे 65 आउट ऑफ 65 भी ले आओगे तो यहां पे 55 अगर नहीं ला पाए तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। एक बात ध्यान देना, वैकेंसीज अच्छी खासी है और यहां पे नंबर ऑफ फॉर्म्स भी थोड़े कम होते हैं, बाकियों से भी थोड़े कम होंगे, तो कट ऑफ इतना तो नहीं जाएगा जैसे बाकी एग्जाम्स में जाते हैं, बट फिर भी आपको ये लेके चलना है कि 65-70% 60% आपको विद एक्यूरेसी के साथ सही करके आना है। इसका मतलब 120 में से कम 72-75 का स्कोर आपका अच्छा आना चाहिए मैथ सब्जेक्ट में ओवरऑल, तब जाके आप सिलेक्शन के करीब पहुंच पाओगे। तो ऐसा करने के लिए आपको करना क्या, कुछ चैप्टर पे सबसे ज्यादा फोकस हो, जैसे नंबर सिस्टम पे सबसे ज्यादा आपके नंबर उठते हैं, आपका एपी से नंबर उठेगा, उसके बाद अगर देखा जाए तो ज्योमेट्री से नंबर उठेगा, इवन आपके मैट्रिसेस से नंबर उठेंगे, कम मेहनत में ज्यादा नंबर, कैलकुलस में हो सकता है आपके नंबर थोड़े से कम हो, एलजेब्रा में नंबर उठा सकते हो, कोऑर्डिनेट में नंबर उठा सकते हो, क्योंकि ये सिंपल फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछता है, जहां पे कॉन्सेप्ट ज्यादा इंक्लूड करता है वहां पे दिक्कत होता है, जैसे कैलकुलस में कॉन्सेप्ट ज्यादा इंक्लूड कर देता है, एलजेब्रा में भी कई बार मिक्स कॉन्सेप्ट देता है और ट्रिग्नोमेट्री में भी कई बार मिक्स आइडेंटिटीज देता है, तो थोड़ा सा हार्ड होता है, बाकी सारे पार्ट में आपके नंबर आसानी से उठ सकते हैं। तो आपको कौन से चैप्टर फोकस करने हैं, नंबर सिस्टम आपको फोकस करना है, ज्योमेट्री आपको फोकस करना है, एपी आपको फोकस करना है, मैट्रिसेस आपको फोकस करना है, इसके बाद पहले इतना आपको पढ़ लेना है इवन एलजेब्रा, तो नंबर सिस्टम, एलजेब्रा, ज्योमेट्री और उसके बाद आपको मैट्रिसेस, ये चार चैप्टर अच्छे से पढ़ने, फिर आपको सेकंड प्रायोरिटी में इनको करना है, बट आपको कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, ये बात समझते हुए चलिएगा। अब एक बात सबसे ज्यादा जो बड़ा प्रश्न आता है कि सर पेपर कब होगा, तैयारी के लिए हमें कितना समय मिलेगा, तो ये जान के थोड़ा सा आपका दिमाग तो यहां पे थोड़ा सा परेशान हो गया आप लोग, कि यहाँ पे जो आपको समय मिलने वाला है वो हो सकता है 4-5 मंथ्स मैक्सिमम मिले, इससे ज्यादा समय ना मिले। और जहां पे आपके सिलेबस की बात है कि एक तरफ आपका मैथ्स है पूरा और दूसरी तरफ आपको रीजनिंग भी पढ़ना है, आपको लैंग्वेज भी पढ़ना है, लैंग्वेज इसके साथ साथ आपको जीए भी पढ़ना है, इसके बाद आपको एनईपी भी पढ़ना है, एनईपी के साथ साथ आपको पेडागॉजी वाला भी पार्ट पढ़ना है, तो ये सारे इसके साथ आईसीटी भी कंप्यूटर भी पढ़ना है, ये भी आपका क्या करते हैं कोर्स को थोड़ा सा लेंदी बनाते हैं। अब अगर कोई बोले कि 4-5 महीने में कि पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कर दिया जाए या पूरा का पूरा एक बार जीरो से कोई बच्चा और कंप्लीट पढ़ ले, तो मैं बोलूंगा कि ये थोड़ा सा मुमकिन नहीं है इतने महीने में। तो हमारे पास एक स्मार्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक बार समझिएगा, जिस सिचुएशन में आप हो उसी सिचुएशन में हर बच्चा, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है भाई, आप हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि आप 120 में से कितना लेके आओ, 120 में से आप 110 ले आओ टॉप कर जाओ, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप 120 में से 100 नंबर 105 नंबर लेके आओ, लेकिन जो आप सिलेक्शन होने वाले बच्चे हों वो सब आपसे ऊपर पा जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि पेपर का लेवल अच्छा हो कि आप 75-80 नंबर केवल करके आओ, क्वेश्चन करके आओ और उसके बाद भी आप सेलेक्ट हो जाओ। तो ये सब कुछ कॉम्पिटिशन पर डिपेंड करता है कि आपके साथ वाले कॉम्पिटिटर कैसे हैं। तो जब सारे कॉम्पिटिटर एक ही कंडीशन, उनकी भी ये भी पढ़ना है ये भी पढ़ना है, तो नो डाउट आप ये मत सोचिएगा कि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली, यहाँ पे कट ऑफ नो डाउट तेजी से नीचे आएगी, जो आपका 70% के अप्रॉक्स में रहेगा, मतलब कि 120 में 75 क्वेश्चन के आसपास बहुत अच्छा आपका गुड अटेम्प्ट रहेगा। तो आपको टारगेट कहां पे करना है, जो मैं कट ऑफ की बात करता हूं ना, ये कट ऑफ क्या है, ये कट ऑफ जनरली कट ऑफ तो अभी पहले से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभी पेपर नहीं हुआ, पेपर का लेवल नहीं पता है, कितने बच्चे अटेम्प्ट किए, कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, एग्जाम कितने दिए, कुछ भी नहीं पता, तो कट ऑफ तो डिसाइड नहीं किया सकता, लेकिन एक सेफ स्कोर पर टारगेट क्या होना चाहिए। तो टारगेट आपको एक चीज समझना कि आपका जो लैंग्वेज वाला पार्ट है उसका मार्क्स जुड़ेगा नहीं, तो आपको
नंबर तो किससे, रीजनिंग से, जनरल अवेयरनेस से, एनईपी से, आईसीटी से, पेडागॉजी से, इन्हीं से आपको उठाना है। तो इसमें से मिलाते हुए, मैथ्स में मिलाते हुए, इनके बेसिस पे आपको कितना 70 प्लस स्कोर करना ही करना है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। इस बात को आप दिमाग में रखते हुए चलिएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि ये पढ़े कहां से, इतने कम समय में हमारे पास रिसोर्स कहां पे होगी। तो एक चीज समझिएगा, मैं आपको इतना बोलूंगा कि हो सकता है आप लोग पहले से ही टीजीटी मैथ की तैयारी करते रहे हो। उन बच्चों के लिए जो पहले से तैयारी करते रहे, उनको केवल ये पढ़ना है, आप इस पे ज्यादा फोकस मत रहो। ये मेरा पहला सुझाव है। ये आप जहां से पढ़े हो, जैसे पढ़े हो, आप केवल उनका प्रैक्टिस करो, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां पे अपना जो आपके यहाँ पे बोल सकते हो कि 65 क्वेश्चन है, 65 में से अगर 55 प्लस भी आपके सही हो जाते हैं तो वो बहुत अच्छा स्कोर है। और जो बच्चा फ्रेशर है उसको इस टॉपिक से भी, इस टॉपिक से भी बराबर मेहनत और एवरेज करके लेके आना है। मतलब आप ऐसे समझो कि अगर आपको इस 65 में से 40 प्लस भी मिल जाते हैं, क्योंकि चार महीने में 65 में 65 लाना तो मुश्किल है, इस बात की क्लियर है, मैं पहले बता रहा हूँ, टू बी प्रैक्टिकल बोलूँ। और यहाँ से इस पार्ट से भी आपको अगर ये 55 क्वेश्चन पढ़ते हैं तो 55 में से आपको 35 प्लस यहाँ पे भी स्कोर करना है, ताकि इन दोनों को मिला के आपका 75 प्लस स्कोर हो जाए। और अगर इस रणनीति के साथ चलते हो तो आपका क्या हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो भी जाएगा, उसे कोई रोक भी नहीं पाएगा। तो ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है। बट अगर आप मेहनत करोगे, आप अगर भटकोगे नहीं इतना, अगर आप टॉपिक टू टॉपिक, जैसे मैथ्स में क्या होता है, बहुत भटकाव होना नहीं चाहिए। आपका एक टॉपिक है, आपने उस कॉन्सेप्ट को समझा, कॉन्सेप्ट समझने के बाद उस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लो। अब आपको प्रैक्टिस कहां से करना है, तो ये मत समझना कि मैं कोई भी मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूं। आप प्रैक्टिस करने के लिए कहां, केवीएस के क्वेश्चन को उठाओ, आप एनवीएस के क्वेश्चन को उठाओ, आप DSSB के क्वेश्चन को उठाओ, ये जो है ना, इनके क्वेश्चन को उठाओ। आप स्टेट के टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चंस को उठाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका पैटर्न ही अलग होता है, उनका सिलेबस भी अलग होता है। तो उस तरीके से तैयारी करोगे फिर तो आपका नहीं होगा। हाँ, कॉन्सेप्ट आप उस आधार पर पढ़ो तो वो बात डिफरेंट है, बट प्रैक्टिस आपको इनके आधार पर करना है। और अगर आप ऐसा कर लिए तो कर लोगे। अब आपके पास कितना आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कैसे आपको कितने घंटे पढ़ने चाहिए, तो एक बात आप समझते हुए चलना कि आप दिन में मैक्सिमम जितना भी हो सकता है उतना पढ़ो, दोनों को बराबर समय दो। मतलब अगर 2-3 घंटा मैथ्स पढ़ दो, 3-4 घंटा, तो आप 2-3 घंटे 20 वाले पार्ट को भी बराबर समय दो, अन्यथा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबर कम रह जाएंगे और थोड़ा चांसेस गड़बड़ हो जाएगा। तो दोनों पोर्शन उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे इस वाले पार्ट का देखें, जो आपका पार्ट ए, मैं इसे बोल दूं, दो पार्ट में है, पार्ट ए पार्ट बी। जनरल अवेयरनेस में आपका बहुत ज्यादा जीएस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसमें स्पेशल इंफोसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ये स्पेशल टॉपिक पे आपका जनरल नॉलेज कराया जा रहा है, आप केवल इसको कवर कर लीजिए। बाकी आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर टाइम मत बर्बाद करिए, क्योंकि आपको मैथ्स पढ़ना है। अगर आपको मैथ्स ना पढ़ना होता, जेल वार्डन के आप होते या जैसे के होते या लैब अटेंडेंट के, तो मैं बोलता कि आप वैसे भी पढ़ो। बट यहां पे आपको क्योंकि मैथ्स भी पढ़ना है, इसलिए आपको केवल स्पेशल इंफोसिस इन फील्ड ऑफ एजुकेशन इसमें पढ़ना है। और इसकी स्ट्रेटजी मैंने अलग वीडियो में बनाई है, वो आप देख लीजिएगा। रीजनिंग आपको अच्छे से जितना सर करा दे रहे हैं उतना आपको कर लेना है। नॉलेज ऑफ आईसीटी में जितना सर करा दे रहे हैं वो करने, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं पढ़ना है। टीचिंग एप्टीट्यूड में भी जितना, मतलब आप ये समझो कि इतने पार्ट में जितना आपको कराया जा रहा है उतना ही केवल पढ़ना है। ये खेलो इंडिया वाला काम केवल पीईटी, मतलब कि जो फिजिकल एजुकेशन वाले, उनके लिए है, बाकी ये सारे ही पार्ट आपको पढ़ने हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको स्ट्रिक्टली, मैं ये बोलूंगा कि स्ट्रिक्ट रहना है, कहां पे स्ट्रिक्ट रहना है, परीक्षा प्लस के नोट्स पे। परीक्षा प्लस की क्लास का कितना कर लो आप, परीक्षा प्लस की क्लास कर लो, और अगर इनके नोट्स ये पूरा कर लोगे तो मैं इतनी गारंटी लेता हूं कि इस 55 में से आपके 40 प्लस स्कोर हो जाएंगे। अगर आप एक मीडियम लेवल के बच्चे हो तो, अगर आप मध्यम से थोड़े से भी अच्छे हो ना, तो आप इसके स्कोर 45 और 50 तक भी ले जाओगे। मैं फुल अपॉन फुल की तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो अतिशयोक्ति हो जाएगी। रही बात मैथ्स वाले पार्ट में, तो मैथ्स में आपको टारगेट करना है। अब मैथ्स में कहां से आपको पढ़ना है, ऐसे बच्चे जो फ्रेशर हैं उनको मैं बोलूंगा कि आप कोर्स ज्वाइन कर लो, आप यहां से ज्वाइन कर लो या किसी से भी ज्वाइन कर लो, जहां पे आपको अच्छा लगे। मैं इसके लिए आपको बाउंड नहीं कर रहा हूं कि आप परीक्षा प्लस से ही ज्वाइन कर लो, वो आप जहां पे जेन्युइन लगे, जहां पे आपको अच्छा लगे वो करो। बट इतना मैं आपको एश्योर करा रहा हूं कि अगर आप यहां पे करते हो तो एक भी कॉन्सेप्ट आपका क्या होगा, एक भी कॉन्सेप्ट आपका रह नहीं जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सारे कॉन्सेप्ट को मैं आपको खुद वहां पे पढ़ा रहा हूँ, एक फैकल्टी और होंगे तो वहां पे आपको मैक्सिमम, और वो फैकल्टी कल मैट्रिसेस पढ़ा रहे, बाकी पूरा आपका पोर्शन मैं पढ़ा दूंगा। अब रही बात, आपने बोला कि सर इसमें चार महीने में आप कंप्लीट करा नहीं सकते हो, फिर आप कैसे कर लोगे, तो इसीलिए मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं कि ये जो आपका मैथ्स वाला ये पार्ट है, इसमें मैं, अगर सही बात ये है कि
लाइव क्लासेस सब पे कराने आ जाऊंगा तो नहीं करा पाऊंगा। इसमें ऐसी क्लासेस जो पहले से मैं पढ़ा चुका हूं, जैसे आपका कैलकुलस हो गया, लिमिट हो गया, डेरिवेटिव हो गया, स्टेटिस्टिक हो गया, आपका नंबर सिस्टम वाला पार्ट हो गया, एलजेब्रा वाला पार्ट हो गया, जो कोर पार्ट है या ज्योमेट्री हो गया, वो मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दूंगा। और जो आपको ये टॉपिक जहां पर दिक्कत आती है, जैसे बाइनोमियल्स हो गया है ना, या फिर आपका क्या हो गया, या हाइपोथेसिस हो गया, यूक्लिडियन ज्योमेट्री हो गया, इनके टॉपिक्स को मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि यहां से एक भी क्वेश्चन आपको अलग ना हो। ये मैं आपकी लाइव क्लासेस लगवा दूंगा और मैं खुद आपकी क्लास करके कवर कर दूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि इससे आपको क्लास के साथ साथ नोट्स पे सबसे ज्यादा फोकस रहना है। जैसे आप देखोगे तो परीक्षा प्रश्न एकदम डेडिकेटेड इसके लिए क्या किया है, नोट्स बनाया है, डेडिकेटेड नोट्स हैं। और इन नोट्स को देखोगे, जैसे मैंने लिमिट्स और डेरिवेटिव पे तो एक एक चीज आपको समझाया गया है कि लिमिट क्या है, उसके बाद इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, जो आपके टॉपिक में दिया हुआ है उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपका पूरा लेफ्ट एंड राइट लिमिट क्या होता है, कहाँ पे लिमिट फेल होती है, कहाँ पे लिमिट को हम लोग आगे के लिए उसे प्रोसीड करेंगे, लिमिट और डेरिवेटिव में क्या रिलेशन है, क्या उनमें डिफरेंसेस है, ये सारी ही चीजें आपको इस नोट्स में बहुत प्रॉपर तरीके से मिलेंगे। तो ये पूरी की पूरी आपकी बुकलेट है, पूरी की पूरी आपकी किताब है, ये आप इससे अगर होगे तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिल जाएगा। अगर आप परीक्षा प्लस के कोर्स से जुड़ना चाहते हो तो इसमें इसी कारण से कोर्स दो फॉर्मेट में निकाला गया है, और वो जो दोनों फॉर्मेट हैं, वो दोनों फॉर्मेट हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूं कि किस फॉर्मेट में, एक बार आप कोर्स के बारे में देख लो ताकि जो बच्चा जुड़ना चाहे। हमने जो आपका मैथ्स का जो कोर पार्ट है उसको अलग कर दिया, क्योंकि ऐसे भी बच्चे हैं जो पहले से मैथ्स पढ़ चुके हैं, उनको केवल इस पार्ट की जरूरत है। और अगर आप फ्रेशर, आपको दोनों की जरूरत है, तो आप ये दोनों ही परचेज कर सकते हो, इसलिए दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। एक आपका 899 प्लस जीएसटी, एक आपका 592 प्लस जीएसटी, इसकी टोटल फीस 699 पड़ेगी, इसकी लगभग 1060 पड़ेगी। मतलब अगर आप देखोगे तो 1600-1700 में पूरा का पूरा आपका कोर्स जाएगा। और इसमें आपको सारी किताबें, ये सारी किताबें जैसे आईसीटी की अलग बुक मिल जाएंगी, मैथ्स की आपको अलग दे ही रहे हैं, इंग्लिश आपको अलग मिल जाएगी, हिंदी आपको अलग मिल जाएगी, रीजनिंग एबिलिटी अलग मिल जाएगी, बाकी जो पार्ट हैं आपको अलग मिल जाएंगे, एनईपी और आपके जो पार्ट है वो भी आपको सब कुछ दिया जाएगा। तो इससे आपको बाहर नहीं पढ़ना, 4-5 महीने में भटकाओ, मतलब जितना आपको दिया जा रहा है केवल इतना कर लोगे तो नो डाउट आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन अंततः मैं एक बात और कहूंगा कि ये सिलेक्शन तभी ले पाओगे जब आप हमें अच्छे से फॉलो कर पाओगे, जितना हम आपको कह रहे हैं, चाहे आपका पार्ट ए हो चाहे आपका पार्ट बी हो, इसमें आप डेडिकेटेड जितना रहोगे उतना ही ज्यादा आप क्या हो जाएगा, जितना आप फैकल्टी को फॉलो कर लोगे, टीम को फॉलो कर लोगे, उतना ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप ये सोचो कि नहीं सर अपने मन से हर चीज करते रहे, आप अपने मन से पढ़ यहां पे रहे हो, दिमाग अलग लगाए हो, फिर सिलेक्शन हो जाए, तो ये वन डे एग्जाम नहीं, यहां पे आपको कड़ी मेहनत चाहिए, आपको एक सीरियस होना पड़ेगा, ठीक है, अपनी लाइफ के लिए सीरियस होना पड़ेगा, अपनी स्टडी के लिए सीरियस होना पड़ेगा, एक गंभीरता लाना पड़ेगा, एक छोटे मोटे बच्चों की तरह नहीं सोचना पड़ेगा, एकदम छोटी छोटी बातों पर पैनिक होकर, फिर तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि कैसे चीजों को आगे बढ़ाना है। अगर आप कोर्स से जुड़ना चाहते हो तो आप परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लो, गूगल प्ले स्टोर पे जाके वहां से आप परचेज कर सकते हो, कोर्सेज में जाओगे आपको ऊपर ही लगा मिलेगा, या फिर कोई समस्या आती है तो नीचे नंबर चल रहे हैं, या फिर जो नंबर लिखे हैं 9453006007 9129690 इन पे कॉल कर सकते हो, और ये सारी ही चीजें आपको प्रोसेस अच्छे से समझा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त अभी देखो, जैसे हमने क्या किया कि हमने टीजीटी मैथ्स का, इंग्लिश का और केवल हिंदी का ही वीडियो क्लासेस निकाला, हमने सोशल साइंस की क्लास ही नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि भाई 4 महीने में सोशल साइंस के 2 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट कवर ही नहीं कराया जा सकता, ये टीजीटी है, जनरल वनडे थोड़ी पढ़ाने फैक्ट बेस पे। तो इस कारण से आपको जो सोशल साइंस की तैयारी कराई जाएगी वो आपको केवल पीडीएफ बेस पे कराई जाएगी, उसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। तो जो सोशल साइंस वाले हैं वो दूसरी वीडियो के लिए वेट करें, इसके मैं डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा। फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार। चैनल पर अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, कोर्स से जुड़ना चाहते हो तो परीक्षा प्लस ऐप अवश्य इंस्टॉल कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं, धन्यवाद सभी का।